नाम अंकुर धामा है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत गांव खेकड़ा का रहने वाला हूं। सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है जब मैं, क्योंकि मैं एक पहचाना जाता हूं ब्लाइंड एथलीट से। 22 ईयर ओल्ड अंकुर धामा, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ब्लाइंड एथलीट, हैज टू स्ट्रगल एवरी डे टू रीच नेहरू स्टेडियम वेयर ही प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिज कॉलेज हॉस्टल। नेहरू स्टेडियम मुझे जाना होता है तो हमेशा काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ से कई बार मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जाना, तो मैं या तो अपने फ्रेंड्स की मदद लेता हूँ, रिक्शा भी अवेलेबल नहीं होता है तो कई बार खुद ही स्ट्रिक्ट से वॉक करता हूँ, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब जहाँ 1 आवर लगता है तो वहाँ मुझे 1.5 आवर लग जाता है जाने में, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इससे कई बार मुझे चोट भी लगी है। Ankur is pursuing MA in history from St. Stephen's College, New Delhi. He was allegedly pushed by a Turkish player in Rio Paralympics 2016. बीच में कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि जब मैं काफ़ी हताश हुआ कि मैंने सोचा कि अब मैं एथलेटिक्स जारी नहीं रखूँगा, क्योंकि कई बार तो गवर्नमेंट की वजह से ऐसे कुछ हादसे हुए कि मन बिल्कुल टूट गया कि नहीं अब नहीं करना है, क्योंकि हमारे पीछे ऐसा कोई बैक सपोर्ट भी नहीं थी कि हम बैकडोर से एंट्री ले सकें। जितना मतलब हमने खुद प्रैक्टिस किया उसको ग्राउंड पे दिखाया। अंकुर इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग फॉर हिज 4 ईयर प्लान अहेड। ही इज गेटिंग फ्री पर्सनल ट्रेनिंग अंडर डॉक्टर सत्यपाल सिंह, इंडियाज यंगेस्ट द्रोणाचार्य अवार्डी फॉर द पास्ट 7 to 8 years. हमारा एक तरह से फ्रेंडली हमारा एक माहौल हमने क्रिएट किया है। कोई भी अंकुर को दौड़ाता है लेकिन मेन गाइड है, उसके लिए सारी फैसिलिटी, वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना घर सब छोड़ के उसके साथ लगता है, क्योंकि अंकुर के लिए गाइड का होना सबसे जितना ज़्यादा जरूरी, सब चीज़ के सबसे ज़्यादा जरूरी गाइड ही है उसके लिए। अंकुर हैज़ वन मेनी मेडल्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। His parents never made him feel that he is not an abled child. Ankur, who loves playing cricket and football, was into sports ever since he was a kid. 2004 का एक नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट कराया था इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, तब से मुझे मालूम चला कि हाँ विजुअली चैलेंज के गेम होते हैं, नेशनल मीट होती है, तो उसमें हमें, मेरे जो सीनियर्स थे वो हिस्सा लेते थे, तो मैं उनके साथ जब बस यूं ही एज ए फन के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए उनके साथ प्रैक्टिस करने चलाया जाया करता था। तो 2005-06 आते आते मैंने पूरा अच्छे से खेलने की शुरुआत की। वैसे प्रोफेशनली एथलीट हूँ पर लेकिन मैंने इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल में भी पार्ट लिया है। सच एथलीट्स एंड देयर फैमिलीज फील दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटीज टू अ प्लेयर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एन इंटरनेशनल लेवल। इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया वेयर एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप्स and accessible with ease, this is a time to facilitate and motivate such players who are representing our country.